हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा। निशा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपनी रसोई में बना रही हूँ ओरियो बिस्किट से केक। आज मदर्स डे है तो ये अपनी माँ के लिए बना रही हूँ। जो केक मैं बना रही हूँ ये आराम से आप घर पे बना सकते हो, और ये सारा सामान आपको घर में मिल जाएगा, पास की शॉप पे भी मिल जाएगा। आप इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर से केक नहीं ला सकते, तो आप अपनी मम्मी के लिए, अपने घर पर, अपने बच्चों के लिए अपने घर पर आराम से इस केक को बनाकर एंजॉय कर सकते हो। और मदर्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये 10-10 रुपए वाले पैकेट, हमने 4 ओरियो के पैकेट लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 4 ओरियो के पैकेट्स लिए हैं जो 10-10 रुपए के हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने केक के सारी मलाई निकाली है। इसे चाकू से आप आराम से इस तरह करेंगे, ये पूरा आराम से बाहर आ जाएगा। कितना क्लीन बिस्किट दिख रहा है। आराम से हमने इस मलाई को निकाल लिया है। अब इसे हम केक सजाने के काम में लेंगे। आप चाहो तो इसे डालकर भी केक बना सकते हो। और इसे अब मिक्सर जार में हम डालेंगे सारा, और इससे बिल्कुल ब्लैक चॉकलेट केक बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, हमने सारे बिस्किट को मिक्सर जार में डाल लिया है। अब इसी जगह हम अपनी चीनी ऐड कर देंगे, जो हमने 3 चम्मच चीनी ली थी, और ये 1 कप दूध। तो हम आधा कप दूध दूध डालेंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि इसमें कितने, ग्राइंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कितने दूध की आवश्यकता है। अगर दूध की ज़्यादा और आवश्यकता होगी तो हम और डालेंगे, नहीं तो हम इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, जो केक बनाने का हमने बैटर है। अब इसमें हमें जो इनो मिक्स किया है वो वीडियो नहीं बन पाई है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। हमने इसमें इनो मिक्स करके इनो डाला है 1 पैकेट, और उस पर से 1 चम्मच दूध डाला है, और उसे हम मिक्स करेंगे। उसके ऊपर से दूध डालने से इनो रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन होता है और वो बबल्स बनाएगा, जिससे हमारा केक अच्छे से फूलेगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस 1 मिनट से भी कम, ज़्यादा नहीं फेटेंगे, क्योंकि इनो या सोडा या बेकिंग पाउडर के बाद ज़्यादा फेटा नहीं जाता है। हम ज़्यादा फेटेंगे तो उसमें एयर्स नहीं बनेंगे और उसका रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, जिससे केक अच्छे से नहीं फूलेंगे। अब इसे हम अपने केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, ये हमने केक टिन ले लिया है, उसमें एक बटर पेपर इसके साइज़ का कट करके लगा लिया है। नीचे ऑयल लगाकर ऊपर से बटर पेपर को लगा लिया। अब बटर के पेपर के ऊपर हम 2-3 बूंद ऑयल लिए हैं, इसे हम फैला लेंगे अच्छे से, फिर इसमें अपना बैटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने सारे बैटर को केक टिन में डाल लिया है। अब इसको हम ऐसे से थप थप कर लेंगे, जिससे कि हमारा सारा बैटर अच्छे से सेट हो जाए, इसमें कोई एयर ना रहे। अब इसे हम, हमारा पतीला हीट हो गया है, अब उसमें हम रख लेंगे। इसमें से भाप आ रही है, और बहुत सावधानी से रखिएगा क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है। और बिल्कुल स्लो आंच पर इसे हम 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे। हमारे गैस का फ्लेम देखिए बिल्कुल स्लो है। अब इस पर हम इसको 30 मिनट ऐसे पकाएंगे। उससे पहले इसे खोल के हम नहीं देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो इसमें एयर्स आ जाएंगी। जल्दबाजी ना करिएगा, नहीं तो हमारा केक अच्छे से फूलेगा नहीं और अच्छा नहीं बनेगा। अब इसी जगह हम इसको 40 मिनट पकने देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे केक को बनते हुए 25 मिनट हो गए हैं। देखिए, मैंने ढक्कन हटा दिया है। अब चेक कर लेते हैं कि ये पक गया है कि नहीं। देखिए, ये पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारा केक पक चुका है, हमने इसका ढक्कन हटा के चेक करा है, और ये किनारा हमारा छोड़ दिया है, इससे भी पता चल रहा है कि हमारा केक पक चुका हुआ है। अब इसे हम चेक कराते हैं। देखिए, हमारा चाकू बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, मतलब हमारा केक पक चुका है। अब इसे हम 5 मिनट इसी तरह रहने देते हैं, फिर उसके बाद इसे हम निकालते हैं। अगर हम गर्म केक निकालेंगे प्लेट में
तो वो टूट सकता है। इसे 5 से 10 मिनट हम इसी तरह रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं कि ये ठंडा हो जाए, फिर आपको हम प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने केक टीन से आराम से अपना केक निकाल लिया है। इसमें साइड साइड चाकू चला के हमने इस तरह पलटा और यह केक हमारा अच्छे से निकल आया है। देखिए किसी अच्छी तरह से ये फूला हुआ है, इतना स्पंजी बना है। सिर्फ 4 बिस्किट के पैकेट से ये केक बिल्कुल रेडी हो गया है। आप मार्केट से लेकर आएंगे चॉकलेट केक तो बहुत महंगा पड़ेगा, और ये केक कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे, ये जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। अभी ये गर्म है। अब इसके बाद हम इसका शुगर सिरप बना लेंगे और इसका चॉकलेट बना लेंगे। जो चॉकलेट सिरप होगा वो भी हम घर पे बनाएंगे और शुगर सिरप भी बनाएंगे इसे डेकोरेट करने के लिए। घर के ही सामान से हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे, जो हमारे पास मिल जाएगा आसानी से हम उसी से बनाएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमने बिस्किट की क्रीम ली निकाली थी उसे हमने देखे इस पर चाय करने में पानी गर्म कर लिया है और कटोरी को उसमें रख दिया है। देखिए पानी ज़्यादा नहीं है, ये आधे ग्लास से भी कम है, ये बस कटोरी की तली में लगे और ये मेल्ट होते जा रहा है गर्म होके। इसे हमको चलाते रहना चाहिए जिससे कि ये लगे ना नीचे और अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें पानी ना पड़े। फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिएगा और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है। इसमें हमने जरा सा दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्रीम इस तरह से एकदम क्रीमी सी हो जाएगी पिघल के। फ्रेंड्स अब हमने 3-4 चम्मच हल्का गुनगुना पानी लिया है और उसमें हम 1 चम्मच से भी कम चीनी डालकर इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। ये हम शुगर सिरप बना रहे हैं, इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। इसे केक के ऊपर लगाने से केक की सॉफ्टनेस बनी रहेगी और वो थोड़ा स्पंजी सा और दिखेगा और बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। देखिए हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है और इधर हमारा चॉकलेट सिरप भी रेडी हो गया है। जो हमने क्रीम उसमें से निकाली थी हमने उसी से ही बनाया है। देखिए अब इससे हम अपने केक को डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स जो हमने शुगर बनाया था वो हम इस पे डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से हम चारों तरफ से फैला देंगे। शुगर सिरप जिससे हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट रहे इसे हम अच्छे से चारों तरफ से फैला देंगे। देखिए हमने इसे कितने अच्छे तरह से इसको फैला दिया है। अब इसी जगह पे हम इसमें अपना चॉकलेट डालेंगे और इसे हम इस तरह से चारों तरफ से फैलाते जाएंगे इस तरह, और इसे हम अच्छे से फैला कर इसे चम्मच की सहायता से ऐसे सेट कर लेंगे और जब ये ठंडा होगा तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए ये मोटा हो रहा है क्योंकि ये ठंडा हो रहा है। अब इसको हम अच्छे से चम्मच की सहायता से अच्छे से फैला लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने चॉकलेट सिरप इस पर लगा दिया है। जो हमने बिस्किट का क्रीम निकाला था उसे ही हमने चॉकलेट सिरप बनाया और इसे चारों तरफ से हमने फैला दिया है इस पर, देख लीजिए, और ये जम चुका है। अब इस पर हम कोको पाउडर सजाने के लिए इस पर स्प्रिंकल करेंगे। आपके पास जो है आप उससे सजाइएगा, चाहे आप चॉकलेट को कद्दूकस करके उससे स्प्रिंकल कर सकते हैं। डेकोरेशन करना आपके ऊपर है, आप जिस तरह से डेकोरेशन करिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमने अपने केक को डेकोरेट कर लिया है। ये जेम्स की गोलियां हैं, ये आसानी से हर दुकान पे मिल जाती हैं।
इसे बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। हमने उस गोलियों से इसे डेकोरेट किया है। ये ओरियो बिस्किट है और ये कोको पाउडर है। अगर कोको पाउडर आपके पास नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर या बच्चों का कॉम्प्लेक्स, हॉर्लिक्स, कुछ भी होता है उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हो, या चॉकलेट को कद्दूकस करके भी उससे भी डेकोरेट कर सकते हो। देखिए हमारा तो मदर डे का केक रेडी हो गया है। आपने जो केक बनाया है उसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमारी केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आप इतना बड़ा केक अगर मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो वो बहुत महंगा पड़ता है, और प्लस इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो हमें बाहर मार्केट में कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे कि आप केक लाकर कट कर सको। इसलिए इसकी रेसिपी से आप केक घर पे आसानी से बना सकते हो। ये सारा सामान आपको घर पे आराम से मिल जाएगा, और नहीं तो पास की कोई भी दुकान पे, जहाँ पे परचून की शॉप होगी वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और अगर ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और हमारी वीडियो में अगर कोई कमी है तो उसे भी कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।